वहीं खबरें अभी तक पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी एक्सक्लूसिव बातचीत की। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने खबरें अभी तक से खास बातचीत में कहा कि सभी को होली की शुभकामनाएं। बीजेपी कार्यालय में उन्होंने होली खेली। कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं के साथ मनोहर लाल ने होली खेली। मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दावा भी किया कि हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतेगी बीजेपी। कार्यकर्ताओं के साथ होली यहां पर पूर्व सीएम साहब ने मनाई। सर, सबसे पहले तो होली की शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, और आपके माध्यम से समाज के सब लोगों को पूरे देश में, हरियाणा में, विशेष तौर पर जब ये लोकसभा का चुनाव आ रहा है तो इस हर्षोल्लास के साथ होली से अब शुरुआत करेंगे और एक आगे का रास्ता बढ़िया बनाएंगे। सर, होली में सभी मनमुटाव मिला भुला कर लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं। अब लोकसभा चुनाव आ रखे हैं, राजनीतिक मनमुटाव कैसे रहेंगे पूरे के पूरे कैंपेन में? देखिए, राजनीतिक मनमुटाव रहने नहीं चाहिए। मुझे मुख्य चुनाव आयुक्त जी का वो जो शेर है वो आज याद आ रहा है कि कभी कभी राजनीतिक क्षेत्र के लोग आपस में लड़ते हैं, भिड़ते हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा, लड़ो, जी भर के लड़ो, लेकिन इतनी गुंजाइश ज़रूर रखो कभी हाथ मिलाने पड़े तो शर्मिंदा ना हो पाएँ। तो इसलिए मिलजुल करके राजनीतिक लोगों को भी एक समाज और देश के लिए इकट्ठा काम करने के लिए अपने संकल्प के हिसाब से भले अलग अलग पार्टियां में रहते हैं लेकिन एक भाईचारा जरूर बना के रखें, कहीं भी मनमुटाव ना करें। सर, रणजीत चौटाला साहब, नवीन जिंदल साहब बीजेपी में आ गए, आप लोगों ने टिकट भी दे दी है, कितनी मजबूती आप लोगों को मिलेगी? निश्चित रूप से आखिर उनका अपना एक स्थान है, क्योंकि चौधरी रणजीत सिंह जी का भी अपना एक पूरे क्षेत्र के अंदर, पूरे हरियाणा में अपना एक स्थान है। पिछले 4.5 वर्ष से वो मंत्री भी हैं, बिजली मंत्री हमारे सरकार के अंदर, और पारिवारिक एक उनको एक बैकग्राउंड जैसी है, उसका भी लाभ निश्चित रूप से हमको मिलेगा। और ऐसे ही नवीन जिंदल, चूँकि पहले भी लोकसभा के सांसद वो रहे हैं कुरुक्षेत्र से, और फिर से उनको लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशी बनाया है, वो लड़ेंगे, और पूरा हरियाणा में उनका एक स्थान है, पारिवारिक बैकग्राउंड उनकी भी है, तो पूरे दोनों के ज्वाइन करने से पार्टी का और बल मिलेगा और सब सीटें जीतेंगे। सर, एक आखिरी सवाल है, हरियाणा में क्या मानते हैं, 10 की 10 सीटें आप रिपीट करेंगे और देश को लेकर क्या दावा है? 10 पहले थी, 10 की 10 रहेंगी, क्योंकि आगे बढ़ने की गुंजाइश ही नहीं हरियाणा में, तो 10 की 10 तो मिलेंगी। हाँ, देश भर में जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि केवल भारतीय जनता पार्टी की 370 अकेले और एनडीए को मिला करके 400 के पार, ये दावा निश्चित रूप से जो किया गया इसको हम पूरा करेंगे और उसमें हम अपना 10 सीटों का योगदान पूरा देंगे। सर, होली के लिए क्या कहेंगे जाते जाते? होली पर मैं यही कहूँगा कि एक ऐसा एक त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है, इस भाईचारे को बनाने के लिए आगे बढ़ें। आपसी मनमुटाव कभी होते भी हैं तो इस अवसर पर भुला करके सब एक रास्ते में चलें। हाँ, होली खेलने में कम से कम ये जो एक गुलाल की होली खेलें, सूखे रंग की होली खेलें, किसी भी ऐसे पदार्थ का उपयोग ना करें जिससे शरीर को कभी कोई हानि हो जाए। तो होली जो है सादगी से, फूलों से होली खेलें। होली के दिन घर घर में जा करके अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने मित्रों के साथ और अपने साथियों के साथ होली खेलने का त्यौहार आनंद ले सकते। धन्यवाद सर, ये थे पूर्व सीएम साहब, यही दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की हरियाणा में 10 की 10 सीटें आएगी, वहीं लोकसभा में बीजेपी एक बार फिर बड़े मैंडेट से सरकार बनाएगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने होली की शुभकामनाएं भी प्रदेशवासियों को दी है। कैमरामैन सूरज के साथ अनिल मोर, खबरें तक, पंचकुला।